हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि वॉकिंग यानी कि चलना, पैदल चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जैसे हम जिसको भी देखते हैं आपको यही बोलता है कि चाहे डॉक्टर हो, चाहे हमारे हमारे रिलेटिव्स हो, हमारे मम्मी हो, हमारी नानी दादी हो, हर कोई ये कहता है कि चलो चलो चलो, अगर तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो इसके लिए चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो आपकी बॉडी की मूवमेंट रहती है, क्योंकि कभी भी, क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीनरी है, अगर हम रेगुलर उसको चलाएंगे, वॉक करेंगे, तो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब हम रेगुलर वॉक करते हैं तो जो बेबी की जो पोजीशन होती है वो अच्छी पोजीशन आ जाती है, यानी कि जो बेबी का हेड है वो डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिससे हम बेबी का सीधा होना बोलते हैं, मतलब वो ठीक पोजीशन होते हैं, क्योंकि बेबी का सर सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वॉक करो। इसमें क्या होता है कि जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं और हम वॉक करते हैं तो जो बेबी का सर जो होता है वो सबसे भारी पार्ट होता है बॉडी का बेबी की, तो वो जो नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे की तरफ खींचता है। इस हिसाब से क्या होता है कि जो आपके बेबी की पोजिशन एकदम राइट पोजिशन आ जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और जो बेबी है वो बिल्कुल परफेक्टली फिक्स हो जाता है सर्विक्स में, और इसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है नॉर्मल डिलीवरी में, और आपकी जो लेग्स की मसल्स है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेगुलर वॉकिंग है वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपके आसपास कोई फ्रेंड या आपके रिलेटिव प्रेग्नेंट हैं, तो उसे ये ज़रूर आप शेयर करें और बताएं कि रेगुलर वॉकिंग तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है हमेशा ही, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये तो हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली वॉक करें। और क्वेश्चन ये आता है कि वॉक कितनी करें? बेसिकली आप उतनी वॉक करें जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। किसी दिन आपकी तबीयत ठीक होती है, किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, प्रेगनेंसी में ये उतार चढ़ाव आता रहता है। तो मतलब आपकी बॉडी जितना अलाउ कर रही है, अगर आपको लग रहा है 15 मिनट वॉक करें तो 15 मिनट वॉक करें, अगर आपको लगता है 30 मिनट वॉक करनी, 40 मिनट, हो सकता है किसी दिन आप 1 घंटे भी वॉक कर लें। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वॉक करें, ये आपके लिए सच में नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा कि रेगुलर वॉकिंग क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, इस पर कमेंट करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।